पिछले 80 सालों को यदि हम निकाल दें तो इतिहास के 800 सालों में हम भारतीय किसी न किसी के गुलाम ही रहे। लोग हमारे, देश हमारा, सब कुछ हमारा, लेकिन हम पर संविधान और शासन किसी न किसी आक्रांता का ही रहा है। लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हम सभी गुलाम थे तो आखिर हमारे बीच में इतना विभाजन और मतभेद कैसे हुआ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम खटिक समाज का योगदान भारत के इतिहास में जो रहा है उससे संबंधित तीन प्रमुख बातें आपको बताएंगे, और उन तीनों बातों को समझने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि क्या भारत की आज़ादी के बाद खटिकों को वो सम्मान भारत के संविधान में मिला जिसके वो लायक थे या जिसके वो हकदार थे या नहीं। कमेंट जरूर करिएगा आपसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। तो हम प्रारंभ करते हैं मुगल काल से और टटोलते हैं इतिहास के अनछुए पन्नों को और जानने का यह प्रयास करते हैं कि मुगल काल में खटिकों की क्या स्थिति थी। दोस्तों, मध्यकाल के इतिहास को जब आप टटोलेंगे तो आपको मिलेगा कि जब भी कोई आक्रांता भारत लूटने की मंशा लेकर आया है तो उसने सबसे पहला हमला भारत के हिंदू मंदिरों पर ही किया है, क्योंकि यहीं पर उनको धन आदि मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना होती थी। और ऐसे में आपको मिलेगा कि उस हमले में उनका सबसे पहला सामना मंदिर सुरक्षा में तैनात वीर खटिक और मंदिर में स्थापित मूर्ति की पूजा करने वाले पंडितों ने ही किया है। जो ऐसा ही तैमूर लंग के साथ भी हुआ जब उसने भारत पर आक्रमण किया। वास्तव में तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसको रोकने के लिए जो सबसे पहले आगे बढ़ा वो वीर खटिक ही थे। तैमूर लंग के आक्रमण के समय दीपालपुर और अजोधन में तैमूर लंग की सेना को वीर खटिकों ने ही रोका था, और इसी कारण तैमूर लंग उनसे इतना क्रोधित था कि उसने चोरी छुपे लाखों सोते हुए खटिकों को हाथी से कुचलवा दिया था, और यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अब बात करते हैं औरंगजेब काल की। मुगल सल्तनत का सबसे दुराचारी राजा यदि किसी को कहा जाए तो वो औरंगजेब ही था। औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन को लेकर ऐसी ऐसी घोषणाएं की थी जिसको यदि आज के स्थिति में भी सुना जाए तो उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस वक्त जब हिंदुओं पर यह दबाव था कि या तो वो इस्लाम स्वीकार करें या फिर मृत्यु को स्वीकार करें, ऐसे में जब ज़्यादातर लोग या तो इस्लाम स्वीकार कर रहे थे या स्वयं को ही मार रहे थे, उस समय भी वीर खटिकों ने अपने बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए सुअर पालने का काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुगल सल्तनत का कोई भी सैनिक उनके घर के आसपास भी नहीं भटकता था। और दोस्तों, इसी काल में क्योंकि इन्होंने सुअर पालना शुरू कर दिया तो औरंगजेब ने ही इनको अछूत कहना शुरू किया। सबसे पहले यदि आप इतिहास में खोजेंगे कि किस राजा के काल में इनको अछूत कहा गया तो आपको मिलेगा कि औरंगजेब काल में ही वीर खटिकों को अछूत बताया जाने लगा। और इसी काल में आपको सती प्रथा का सर्वाधिक संख्या भी मिलेगी। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि अछूत या दलित शब्द हिंदू शास्त्रों में कहीं भी वर्णित नहीं है। हिंदू शास्त्रों का अर्थ है वो शास्त्र जो संस्कृत में लिखे हुए हों। मैं ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा। तो मित्रों, ये दलित शब्द भी 1931 में बाबा साहब अंबेडकर ने एक शब्द जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूज किया था डिप्रेस कैस्ट, उस शब्द को रिप्लेस किया और वहाँ पर दलित शब्द डाल दिया। तो जो मेरे मित्र ये सोच रहे हैं कि वो दलित कैटेगरी में आते हैं, वो जाने कि इस शब्द का ही प्रयोग 1931 में सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर ने किया है। और अब बात करते हैं ब्रिटिश काल की। ये वो काल था जहाँ पर वीर खटिकों का सबसे ज़्यादा सामाजिक हनन हुआ है। दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने बताया कि औरंगजेब ने इनको अछूत घोषित कर दिया था, तो उसी परंपरा को आगे ब्रिटिश शासकों ने भी बढ़ाया है। एक्चुअली 1857 की क्रांति के दौरान वीर खटिकों ने कई ब्रिटिश
अफसरों को पूरे परिवार समेत मार दिया था। ऐसे में ब्रिटिश शासकों ने इनको अपराधी जाति की श्रेणी में डाल दिया। और यह बात 1891 की है जब ब्रिटिश सरकार ने इनको आपराधिक जाति की श्रेणी में डाल दिया। और अब दोस्तों बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की। स्वतंत्रता के बाद भी हमारी जो सरकार कांग्रेस की जो सोच रही वो भी तुष्टिकरण की ही मानसिकता को लेकर लगभग 70 सालों से हम पर राज करते रहे। उनका भी अर्थ यही था कि शासन सत्ता को सुचारू रूप से चलाया जाए, वो चाहे कोई भी मेथड क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए चाहे ब्रिटिश सरकार के ही मेथड को इस्तेमाल किया जाए, कांग्रेस ने वो किया है। यही वजह रही कि हमारे वीर खटिक योद्धाओं के ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई या इनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं रहा। तो 70 सालों में भी कांग्रेस ने तुष्टिकरण के अंतर्गत ही इनको रखा। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि इतिहास परत दर परत खुलते चले गए और हमारे वीर खटिक योद्धाओं का इतिहास हम सबके सामने धीरे धीरे निकलने लगा। तो इसी को छोटी सी चर्चा के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार भट्ट आज आपसे फिर विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा।